देखिए बात यह है कि इस केस का थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड दे दी। ये किसका स्टार्ट हुआ? मार्च 2016 में जब एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट पिकअप की पैनामा लीक्स के बारे में। उसके बाद फिर टीआरओज वगैरह बनते रहे, वहां कोई कंसेंसस नहीं डेवलप हुआ कि कैसे इसको प्रोसीड करना है। इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कॉग्निज अंडर आर्टिकल 184(3) और जो थे अपना जमाली साहब हुआ दी देन चीफ जस्टिस, उन्होंने एक बेंच बनाई। लेकिन उनकी रिटायरमेंट करीब आ गई तो उन्होंने अपने हाथ उठा लिए और उन्होंने एडजर्न कर दिया मैटर टू 4 जनवरी 2017। और नए चीफ जस्टिस ने एक नई बेंच 5 जजेस पर मुश्तमिल बनाई। अब जब ये बेंच बैठी तो इन्होंने जो 10 अप्रैल को जो फैसला सुनाया उसमें 2 जजेस ने, जो कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है आफ्टर चीफ जस्टिस, दे केम टू द कंक्लूजन ऑन दैट एविडेंस कि मियां नवाज शरीफ ना सादिक हैं, ना अमीन हैं, ना सगेशियस हैं, बल्कि खाइन हैं, और कहा कि ही शुड बी सी इनको ना अहल डिक्लेयर कर दिया जाए। 2 जजेस ने प्रीवियस फैसले में ये कहा। जा 3 जजेस ने कुछ नहीं कहा, 3 जजेस केप्ट क्वाइट। उन्होंने सिर्फ इतना डिमांड किया कि शायद सफाए मिसल पर कोई तिश्नगी रह गई है तो एक एफर्ट कर लिया जाए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो एक JIT बनाई गई जो कि 7 अफराद पर नहीं बल्कि 7 मोस्ट पावरफुल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस कंट्री, जिनमें इस्तेदाद भी थी और एक्सपर्टी भी थी और रिसोर्सेज भी थे इस किस्म की मेगा करप्शन को मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर खोज लगाने के। उस JIT ने एक 10 वॉल्यूम पर एक रिपोर्ट सबमिट की। 9 जो वॉल्यूम्स हैं वो हैं फाइंडिंग्स और 10वीं वॉल्यूम जो है वो थी रेकमेंडेशन। अब चीज ये है कि उसके बाद मामला शुरू हुआ अपना 10 जुलाई को, फिर 17 जुलाई को हुआ और फिर 21 को ये इख्तिताम पजीर हुआ। चीज ये है कि ये जो 2 जजेस 3 जजेस थे उन्होंने दे डिड नॉट से एनीथिंग, दे जस्ट केप्ट क्वाइट। 2 ने बिल्कुल अपनी ओपिनियन दे दी, इसलिए 2 जो थे जजेस, क्योंकि उन्होंने अपनी ओपिनियन दे चुके हुए थे, इसलिए जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन बेंच के नाम पर मंसूब कर रहे थे वो एक्चुअली वो यही 5 बेंच अरकान पर मुश्तमिल बेंच थी, लेकिन 2 क्यों